न्यू अनदर वीडियो। तो गाइस सामने आ चुका है हमारे अरमान, जिसके हाथ में है एक फिटकड़ी, जिसको हम मारवाड़ी में कहते हैं फिटकड़ी और आपकी भाषा में इसको बोलते हैं चक्री। सामने जाके वो भाई अरमान, जो अरमान है तो चक्री चलाता है पूरे दिन। ये चक्री ये धागा होता है, बीच में धागा डालकर धागा कैसे चलाता है कुछ बोला बोल। धागा है नहीं, अभी इसको धागा भी दे देंगे। जो गोल गोल बिल्ला है इसके अंदर दो छेद किए हुए हैं, इसके अंदर धागा डाल के फिर दोनों हाथों से खींचने पर ये चक्री गोल मोल घूमती है। अब जो अरमान है हमारे, ये बहुत कलाकार है, ये इस चक्री का इस्तेमाल पत्थर पर करता है जिससे कि चिंगारी निकलती है, और ये देखकर ये बहुत खुश होता है। अब आपको एक चीज़ दिखाता हूँ ताइल की, जो कि बहुत ही खतरनाक है। देखो भाई साहब, ये कुछ छोटा सा जान, ये पांडा है, पांडा जो ताइल की तरह ही दिखता है, और ये ताइल की तरह पूं 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 जैसे ताइल होता है, ची 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 सारे दिन, इसलिए ये भी बोलता जा रहा है आज। अरमान आज स्कूल जाके आया, अरमान बता भाई स्कूल में आज क्या सीखा है, कुछ तो बता भाई, क्या बोला किसी मैडम ने सर ने, कुछ बोला क्या? कुछ नहीं बोला। अब तुझको ये बता, तेरे को गिनती कहाँ तक आती है इंग्लिश के अंदर? 100 तक गिनती आती है इंग्लिश में बोल रहा हूँ, तो भी मतलब ऐसे 1 2 3 4 यहाँ ऐसे कहाँ तक बोल सकता तू? बीस तक बोल सकता, मतलब 20 तक, ये 20 होता ना, तो ठीक है तो 20 तक। अब मुझे गिनती सुना के बताएगा इंग्लिश में, वो भी बोल भाई 1 से स्टार्ट कर, धीरे धीरे बोल 1 2 ऐसे 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ऐसे ऐसे नहीं आती तुझको आगे? 90 91 92 93 94 95 96 97 98 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 100। तो गाइस बहुत ही अचंभा की बात हो रही है, जो हमारा अरमान है इसको ना इंग्लिश के अंदर 100 तक गिनती आ रही है, और जो हमारे पास एक सूरज था जिसका नाम हमने चंपू रखा था, उसको है ना 50 तक गिनती नहीं आती थी, वो भी हिंदी में नहीं आती, 1 2 3 4 ऐसे भी उसको नहीं आती थी, ऐसे बोल रहा था 1 2 3 1 2 3 ऐसे ऐसे बोल कर रू रू के बोलता था, पता नहीं कैसे कौन सी स्कूल जाता है अरमान। अभी देख लेना भाई साहब, अभी थोड़े दिन हुए स्कूल जाते हुए, और इसने तो तेल का मचा रखा है, अगर ये ऐसे पढ़ता रहा तो भाई साहब इसको IAS RS बनने से कोई नहीं रोक सकता हमारे से। तो बता अब तू मुझको ये बता, ए से स्टार्ट होने वाली कोई 5 स्पेलिंग बता सकता है? 5 ए से स्टार्ट होने वाली कोई भी 4 स्पेलिंग। फ्रूट का नाम, चल फ्रूट के नाम बता दे, तुझको फ्रूट के नाम कितने आते हैं वो बता थोड़े, बता दे 5। ये डबल पहले पहले यानी सेम, एक ओ आर एन जी ऑरेंज यानी संतरा यानी दो, एम ए एन जी ओ मैंगो यानी आम, 3 बनाना, पी ए पपैया, पी ए वाई ए,
पपीता पपीता चार। एक और बता दे भाई, बनाना बता दे। बी ए एन ए एन ए बनाना मिस केला मिस मिस डॉट मिस वाला आईडी किसकी है? वाह, तूने 100 तक गिनती बता दी, तूने फ्रूट के नाम बता दिए, अब तू मुझको ये बता, तुझको संडे मंडे बताते होंगे? बोल संडे मंडे पूरा बोल। संडे रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार थर्सडे यानी गुरुवार फ्राइडे यानी शुक्रवार सैटरडे संडे मंडे और ये फ्रूट के नेम ये सब स्कूल वाले मैम डाले, ये भी बोला क्या घर पे जाके इसको पढ़ा कर, तो भी स्कूल में सीखा गया। तेरे क्लास में कितने स्टूडेंट है अंदाज से, तो भी तेरे हिसाब से कितने लड़के आते होंगे तेरे क्लास में? आज तो नहीं जाए। लड़कियां कितनी है? दो लड़की अलग बैठती है या पास ही बैठती है तेरे? कोई चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा लड़के से? ठीक है, लड़के से चक्कर चलाना ही मत। और तू बता, तूने फुरफुट के नाम बता दिए, संडे मंडे बता, जनवरी फरवरी आता है? कभी सिखाया नहीं? अभी सिखाए। जोड़ बाकी आता होगा? जोड़ बाकी आता है? जोड़ आ रही है मतलब एक निशान, मतलब जोड़ कर लेता है। हसल वाली आती है? हसल वाली, हसल वाली कैसे होती है? तीन जॉर्डन एक ऊपर जाते असल में नहीं हूँ। अबे ठीक है, ये भी आने लग गया तो मतलब कुल मिला के तो BDM स्कूल में जाने के बाद बहुत ही प्रोग्रेस कर चुका है। अब तू मुझे ये बता, तू डॉक्टर स्कूल में जाता था, गर्ल्स स्कूल में जाता था, अब BDM में जा, सबसे अच्छी तुझको कौन लग रही है? BDM अच्छी लग रही है? BDM का पूरा नाम बता, स्कूल का क्या नाम BDM का बोल। उसके पास किस चीज की फैक्ट्री बनी हुई है? स्कूल के पास किस चीज की फैक्ट्री है? कपास की फैक्ट्री है, मूंग की फैक्ट्री है, दाल की फैक्ट्री है, किसकी फैक्ट्री है? कपास की फैक्ट्री है। और उस गली के पास तेरा खेत आ सकता है? तेरे BDM स्कूल के सामने से गली जाती है वो, और उससे उसके आगे तेरा खेत आ सकता है? हाँ मोड़ा तो आएगा, मतलब जाएगा तो वही रास्ता ना। अब तुझको है ना, मेरे को वहाँ पर लेके जाना है तेरे खेत के अंदर, मैं देख के आकर आना चाहता हूँ तेरे खेत कहाँ पर है। वैसे तो मैं जानता हूँ वो खेत है ना जवार जी का, उसके पीछे ही है तेरा जवरो जीरो हीरो ऐसे कहीं ना हीरो असलम मार खेत ला रहे तो कट है खेत में कितना घर है बटे थार डाणी में? इसके ढाणी में पूछ रहा हूँ कितने घर हैं वहाँ पर तेरे खेत में? वहाँ पर दादी दादी रहते हैं और काका काकी रहते हैं, और कौन रहते हैं? और चाची चाचा तो कौन रहता है? काका दादी बड़े पापा दो और हो गए बड़े पापा धागा सगे बड़े पापा देते और है कि बड़े पापा और तारा हग्गा कौन है इनवे? हाँ रे बटे साथ ही रहे वानी हाँ अलग अलग कर रहे हैं। तो वहाँ पर तुझको अच्छा लगता है यहाँ पर? यहाँ पर अच्छा लगता है तो सच से बता,
वहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर क्या अच्छा लग रहा है वो बता। ठीक है, तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। अरमान बता रहा है मुझे खेतों से ज़्यादा गांव में अच्छा लगता है, क्योंकि खेतों में कुछ खाने के लिए कुछ सुविधा उपलब्ध नहीं है, यहाँ पर कुछ भी चीज़ सब कुछ लेके आ जाता। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।